उत्तर प्रदेश में एक बार फिर स्थानीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार द्वारा निकायों के निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण कार्यक्रम किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 10 मार्च को ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन, 11 से 17 मार्च तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और 18 से 22 मार्च तक इनका निस्तारण किया जाएगा। 23 से 31 मार्च तक इन्हें मतदाता सूची में समाहित करने का काम किया जाएगा और 1 अप्रैल को मतदाता सूचियों का प्रकाशन होगा। उन्होंने ये भी बताया कि 1 जनवरी 2023 को जो लोग 18 वर्ष के हो गए हैं वे भी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वार्डों के आरक्षण से संबंधित अभी कोई दिशा निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं दिए गए हैं। उन्होंने आगे बताया, सर स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के क्या दिशा निर्देश? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्तमान समय में नगर पंचायत, नगर निगम और नगर परिषद के मतदाता सूची को अद्यावधिक करने के निर्देश दिए गए हैं। उसमें मतदाता सूची का प्रकाशन जो पूर्व से बनी हुई है 10 मार्च से स्टार्ट होगा और 11 मार्च से 17 मार्च तक दावे आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। जो आवेदन ऐसे हमारे नवयुवक जो 1 जनवरी 2023 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हैं वो अपने BLO को अपना फॉर्म भर के देंगे और उनको फॉर्म की आवश्यकता होगी तो आप जिला निर्वाचन कार्य से हमारे यहाँ से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि भविष्य में इलेक्शन होना है, मतदाता सूची का पुनः भी हुआ था, पुनः आयोग के अनुसार निर्सार हो रहा है और जो अब इस समय दे देंगे अपने आवेदन उन्हीं के वोट बढ़ेंगे। वो 18 वर्ष जो भी 1 जनवरी 2023 को प्राप्त कर ली आयु प्राप्त कर ली है वो इसमें पात्र कहलाएंगे। ये कब तक चलेगा सर? ये जो आवेदन प्राप्त करने का है वो 11 मार्च से 17 मार्च तक है, फिर 18 मार्च से 22 मार्च तक दावा पत्रों का निस्तारण है, 23 मार्च से 31 मार्च तक जो है इसका डाक उनको फीडिंग करना है और 1 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। आरक्षण के लिए भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए सर? आयोग द्वारा पुनः एक डाटा शासन द्वारा भेजा गया था, उसके अनुक्रम में जांच करते हुए हमारे द्वारा भेज दिया गया है और आरक्षण के संबंध में कोई आयोग से या शासन से कोई ऐसा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। शासन स्तर पर निर्णय लिया जाना।